लोधी आगे चल रहे हैं। अब बात करते हैं खजुराहो सीट पे, तो खजुराहो सीट पर जाहिर सी बात है इंदौर और खजुराहो दो ही सीटें ऐसी हैं जहां पर थोड़ा सा जो है मुकाबला जाहिर सी बात है एक तरफा हो गया था, क्योंकि खजुराहो सीट पर इकलौती सीट खजुराहो सीट थी 29 सीटों में से जो कि गठबंधन को दी गई थी। सपा ने ये निर्णय किया था कि सपा जो है समाजवादी पार्टी वो खजुराहो सीट से अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेगी। जिस दिन नामांकन होना था उसी दिन खजुराहो से सपा प्रत्याशी का जो है नामांकन कैंसिल हो गया था, जिसके बाद काफी समय बाद जब चुनाव को सिर्फ एक हफ्ता बचा था उससे पहले गठबंधन ने ये डिसाइड किया कि किसको आखिर समर्थन देना है। तो गठबंधन ने जो निर्दलीय प्रत्याशी आरबी प्रजापति खजुराहो से चुनाव लड़ रहे थे उनको अपना समर्थन दिया, गठबंधन ने एक हफ्ते पहले समर्थन दिया। इसलिए आप अंदाजा लगाइए कि लोकसभा चुनाव का जो क्षेत्र है उसमें भी प्रचार नहीं कर पाए थे आरबी प्रजापति, पूरे क्षेत्र में भी नहीं जा पाए थे। और दूसरी तरफ उनके सामने सीधे थे बीजेपी के प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऊपर से पिछली बार भी अच्छे खासे मतों से जीते थे, तो इस बार भी दावा कर रहे थे कि बहुत अच्छा अंतर रहेगा। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस की तरफ से या सपा गठबंधन की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं रहे तो जाहिर सी बात है विष्णुदत्त शर्मा यहां से अच्छे खासे मतों से बढ़त बनाए हुए हैं। आपको बता दें 152,000 वोटों की गिनती अभी तक यहां हो चुकी है और 108,000 वोटों से विष्णुदत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा आगे चल रहे हैं, यानी कि अंतर जो है इस बार अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी अच्छे अंतर से विष्णुदत्त शर्मा रिकॉर्ड मत से इस बार जीत सकते हैं। सतना की बात की जाए, सतना में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखने को